परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन, आप देख रहे हैं जिनागम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और आपदा की इस घड़ी में जैन समाज बढ़ चढ़कर योगदान कर रहा है। संत श्रोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, मुनि प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज, भारत गौरव पलक सागर जी महाराज व अन्य अनेकों आचार्य भगवंत व माताजियों द्वारा घर पर रहकर ही पूजा पाठ करने के आदेश व निर्देश दिए जा रहे हैं। जीवो और जीने दो, स्वयं भी जीवो औरों को भी जीने दो, और उनका जो पावन उपदेश है, अप्पा अप्पा में रह दो इनमेव परम हवे जानम, आत्मा आत्मा में रहे यही परम ध्यान है, यही परम स्वस्थ का आधार है। आपे में रहो, आपे में रहेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बीमारी का एक ही मात्र मूल मंत्र है कि स्वयं का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, अपने धर्म ध्यान में व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपने घर में रहो, अपने अंदर रहो। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज मैं आपके बीच कोई प्रवचन करने के लिए नहीं आया हूँ, ना कोई तुमसे बहुत गहरी बातें करने आया हूँ। देश के हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत गंभीर स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है। एक पीड़ा है, एक दर्द है, और मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैंने अपने 50 साल की उम्र में पहली बार ऐसा देखा होगा, सुना होगा कि हमारे देश की रेल बंद है। पहली बार मैंने सुना है कि हवाई जहाज बंद हैं, पहली बार मैंने सुना है कि बसें बंद हैं, पहली बार मैंने सुना है कि कोई टू व्हीलर लेकर भी सड़क पर नहीं निकल सकता है। इसका मतलब इतना हल्का मत समझिए, देश में बहुत गंभीर स्थिति है, देश जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कर्फ्यू लगा हुआ है, घर से बाहर ना निकलें, जिंदगी चाहते हैं तो घर के भीतर रहें। मैं आपसे इतना कहूंगा, क्या जरूरत है घर से बाहर निकलने की? मैं तो कहता हूं, वर्तमान त्रासदी को रोकने के लिए जितनी जल्दी संभव हो लॉकडाउन करना चाहिए, क्योंकि इस त्रासदी से बचने का और कोई उपाय नहीं है। सवाल उन लोगों का है जिनका नित्य देव दर्शन का, पूजन का, अभिषेक का नियम है, वो क्या करे? ऐसे समय में प्रतीकात्मक पूजन करे। शासन से अगर अनुमति मिलती है तो मंदिर जाकर के जाएं, एक आध व्यक्ति अभिषेक कर ले, बाकी लोग अभिषेक देख ले, अर्घ चढ़ा ले और अपनी क्रियाएं धर्म की घर में कर ले, घर से अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न कर ले। परंतु कुछ जगह मंदिरों को खोला जा रहा है और वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिससे इस संक्रमण के फैलने की आशंका और बढ़ रही है। कहने का मतलब अपना भैया पूरे विधि विधान से जो पुजारी जी हैं वो पूजा पाठ करें, है ना, लेकिन यहाँ लोगों की गैदरिंग नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम खुद नहीं, मान ली 10 लोग तो 10 चप्पलें तो यही दिख रही हैं, सब अलग अलग हैं सर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कल से हम सब से नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, कल आज बंद करिए, आज बंद करिए, प्लीज बंद करिए। ताला लगा के जाए ताकि दूसरा आदमी अंदर नहीं आ पाए। दो की अगर जरूरत है कि एक सफाई वफाई वाला है, दो लोग आ जाए, इससे ज्यादा कोई नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए प्लीज आइए, प्लीज आ जाइए, आ जाइए, बंद करेंगे, आ जाइए, प्लीज आ जाइए, बागवान आ जाइए, यहाँ डाल दो हमारे सामने, और आप लोग भी मान जाओ, अपने घर पर ही पूजा करो जी। अजी अंदर रहने वाले लोग हैं, दो लोग जी थे बस।
अपने यहाँ कोई समस्या नहीं रहे इसका प्रावधान करने का इसका प्रयत्न करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये देखो आप कितनी उम्र दादा की 80 साल की उम्र होगी 75 साल की उम्र होगी हम बताना जिनेंद्र दादा घर पे ही करिए दादा घर पे करिए लिख रखा है बोर्ड पे तो बिल्कुल बंद रहेगा हम अपने चैनल जनागम के माध्यम से समस्त जैन समाज से अपील करते हैं कि वह आपदा की इस घड़ी में अपने घर पर रहकर ही पूजा पाठ करें व आचार्यों और माताजियों के आदेशों व निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन।